कहते हैं महंगाई आए तो सोना खरीद लीजिए। महंगाई से जंग में यह सबसे मजबूत सिपाही होता है, लेकिन इस बार तो महंगाई की सुनामी के सामने सोने की साख पानी पानी हो गई। बीते 6 महीने में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 17% टूटकर $1,650 प्रति औंस से नीचे आ गया। अगर 2020 की ऊंचाई से देखें तो यह करीब $400 का गोता खा चुका है। अगस्त 2020 में सोना $2,000 से ऊपर निकल गया था। पूरी दुनिया में निवेश की गणित गड्ढमड्ढ हो गई है। केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन सोने के ETF में पैसा लगाने वाले इसे बेचने की होड़ में हैं। पूरी दुनिया सोने की कीमत जानने के लिए रोज एक ही बाजार की तरफ देखती है। यह बाजार है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का एक्सचेंज यानी LBMA। यहाँ दुनिया का 70% गोल्ड बिकता है। वास्तविक खरे सोने की बिक्री होती है यहाँ, वायदा यानी फ्यूचर्स वाला नहीं। यह सोने का हाजिर स्पॉट या डिलीवरी बाजार है। लंदन का यह 500 साल पुराना गोल्ड बाजार कुछ ऐसे किस्सों से लबरेज है जिन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर होना पड़ता है। इस बाजार के पास ब्रिटेन के एक प्रख्यात अरबपति की कहानी भी है और एक महान वैज्ञानिक की कथा भी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। एक तरफ ब्लैक सी, दूसरी तरफ भूमध्य सागर, एशिया को यूरोप और रूस से जोड़ने वाला सबसे पुराना व्यापार मार्ग, इसी पर स्थित था लाइडिया। ईसा के जन्म से 1200 साल पहले यह इलाका नियो हित्ती शासकों के मातहत था। कहते हैं उनके पास अपनी भाषा थी जो इंडो यूरोपीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। इन शासकों के पास अपनी वर्णमाला भी थी। ईसा से करीब 575 साल पहले यहां सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। यह सिक्के मर्मनाड वंश के सम्राटों ने शुरू किए जिनका शासन ग्रीस तक चलता था, लेकिन सोने के कारोबारी संगठन की बुनियाद पड़ी लंदन में, और वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में। इस कारोबार के तार भी भारत से जुड़े थे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स थर्ड के माथे पर जो ताज रखा गया है वह लंदन के जिस भवन में रखा जाता है वह टावर ऑफ लंदन है। लंदन का कोई भी पर्यटक इस 1000 साल पुरानी इमारत को देखने का लोभ छोड़ ही नहीं सकता। कभी सम्राटों की ऐशकाह तो कभी जेल रही, इसी इमारत में रखा है कोहिनूर और वे सारे हीरे जवाहरात जो अब सम्राट चार्ल्स की संपत्ति है। वह 1279 का साल था जब इसी इमारत में पहली बार ब्रिटेन की शाही टकसाल यानी मिंट की स्थापना की गई। उस वक्त एडवर्ड प्रथम राज कर रहे थे, सोने चांदी का कारोबार बढ़ने लगा था। सन 1300 में सम्राट ने लंदन के स्वर्णकारों यानी गोल्ड स्मिथ को एक कंपनी बनाने की इजाजत दी। गोल्ड स्मिथ एंड कंपनी सोने चांदी के सामानों की क्वालिटी को प्रमाणित करती थी। कारोबार में तेजी तब आई जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चांदी देकर भारत से इंपोर्ट करने की छूट मिली। यहां से सोने चांदी के व्यापार की जमीन तैयार हो गई थी। 1663 में ब्रिटेन में बनी पहली गिनिया या गिन्नी, पश्चिम अफ्रीका के तटीय गिनिया इलाके से जो सोना आ रहा था उसके कारण इस सोने के सिक्के को गिनिया का नाम दिया गया। भारत में आज भी सोने के पुराने सिक्के को गिन्नी कहा जाता है। अगले 150 साल तक दुनिया में ब्रिटेन के लोग इसी गिन्नी से कारोबार करते रहे। 0.24 ट्राई औंस का यह सिक्का 1 मूल्य पाउंड का था जिसे चांदी के सिक्कों से बदला जाता था। इधर 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के ढालने की छूट मिल गई, तो उधर एक साल बाद ही लंदन के सोना चांदी कारोबार में एक बड़ी शख्सियत का प्रवेश हुआ।
थे मोजेस मोकाटा। मोजेस मोकाटा यहूदी थे जो एम्स्टर्डम के अमीर कारोबारी थे। उन्होंने लंदन में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मोकाटा एंड गोल्डस्मिथ। यह दरअसल एक किस्म का संगठन था जो बुलियन मार्केट एसोसिएशन की शुरुआत थी। मोजेस मोकाटा भारत से सोने के कारोबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदार हो गए। अब इस कारोबार को चाहिए था एक बैंक, तो सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। और इसके बाद इतिहास की एक अभूतपूर्व शख्सियत बेहद अनोखी भूमिका में सामने आई। यह शख्सियत थी सर आइजक न्यूटन। गणितज्ञ और दार्शनिक आइजक न्यूटन आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। खासतौर पर फिजिक्स की आज की दुनिया उनके बिना पता नहीं कैसी होती। लेकिन सोने के दिलचस्प इतिहास में न्यूटन की वही भूमिका है जो भूमिका उन्होंने विज्ञान में निभाई थी। दरअसल लंदन को बैंक बाद में मिला, सिक्के बनाने वाली टकसाल पहले बन गई थी। सन 1696 में सर आइजक न्यूटन को ब्रिटेन की रॉयल मिंट का वार्डन बनाया गया। न्यूटन को यह पद वित्त मंत्री चार्ल्स मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर मिला था। न्यूटन ब्रिटेन के बौद्धिक वर्ग में काफी प्रतिष्ठित थे। रॉयल मिंट संभालने के बाद उन्होंने चांदी के पुराने सिक्कों को नए सिरे से जारी किया। नकली सिक्कों का प्रचलन रोकने की व्यवस्था बनाई। उनका काम देखकर 1699 में उन्हें रॉयल मिंट का मास्टर भी बना दिया गया। वैसे तो मास्टर का पद रॉयल मिंट के वार्डन से छोटा था, लेकिन यह था आकर्षक क्योंकि रॉयल मिंट का मास्टर राजा और सिक्के बनाने वालों के बीच कॉन्ट्रैक्टर होता था। यह राजा की तरफ से अन्य सिक्का निर्माताओं को सिक्के बनाने का लाइसेंस देता था। रॉयल मिंट म्यूजियम के दस्तावेज बताते हैं कि आइजक न्यूटन ने सिक्कों की प्रामाणिकता और शुद्धता पर बड़ा काम किया ताकि हर सिक्का बिल्कुल एक जैसा हो। उन्होंने पहली बार सोने की शुद्धता के आधार पर उसकी कीमत तय की, जो प्रति फाइन आउंस 4.75 पाउंड थी। अगले 200 वर्षों तक यही कीमत गोल्ड के कारोबार का आधार रही। 1727 में न्यूटन ने रॉयल मिंट से विदा ली। उनकी पारदर्शिता और दक्षता के किस्से आज तक रॉयल मिंट के इतिहास में पढ़े जाते हैं। रॉयल मिंट म्यूजियम के अभिलेख बताते हैं कि न्यूटन को सिक्का ढालने वालों की तरफ से 6000 पाउंड की रिश्वत भी दी गई थी, जिसे उन्होंने नकार दिया। न्यूटन युग के करीब 80 साल बाद ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने पहला संप्रभु सिक्का जारी किया। यह सोने का पाउंड था जिसने गिन्नी की जगह ली थी। यहीं से सोने के कारोबार का एक्सचेंज बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इतिहास बताता है कि ब्रिटेन के मशहूर अमीर रॉथचाइल्ड्स ने नेपोलियन से लड़ रही ब्रिटिश सेना को मदद की थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार और ब्रिटेन की जीत के बाद रॉथचाइल्ड समूह की साख कई गुना बढ़ गई। 1853 में ब्रिटेन की लीडन हॉल स्ट्रीट पर पहला बुलियन एक्सचेंज बना, जिसे 6 प्रमुख कंपनियों ने बनाया था। ये सभी कंपनियां बीते 100 साल से गोल्ड और सिल्वर के कारोबार में थी। एनम रॉथचाइल्ड्स की कंपनी इस एक्सचेंज में बैंकर एंड रिफाइनर्स के तौर पर शामिल हुई। मोकाटा एंड गोल्डस्मिथ, सैमुअल मॉन्टेग्यू, पिक्सले एंड लेबल, शार्प्स एंड विल्किंस इस एक्सचेंज के ब्रोकर थे, जबकि जॉनसन मैथे कंपनी रिफाइनर्स के तौर पर इस समूह में शामिल हुई। 1897 में लंदन में सिल्वर यानी चांदी की ओपन ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, इसलिए बारी सोने की थी। सन 1900 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया और सोने के कारोबार का दायरा दूर दूर तक फैल गया। बुलियन एक्सचेंज की मदद से 1919 में पहली बार लंदन में सोने का खुला कारोबार शुरू हुआ। यही वह वक्त था जब गोल्ड की प्राइसिंग अस्तित्व में आई, यानी दुनिया में सोने की कीमत का एक रेफरेंस रेट तय होने लगा। ऐसा करने के लिए फोन से बोली लगाई जाती थी और उसके बाद रॉथचाइल्ड्स के न्यू कोर्ट ऑफिस में बैठकर बोलियों पर फैसला होता था। तब से आज तक लंदन का बुलियन मर्चेंट मार्केट यानी LBMA दुनिया के गोल्ड कारोबार की धुरी है। हालांकि अमेरिका का कॉमिक्स भी एक बड़ा बाजार है, लेकिन वहां सोने के वायदे सौदे होते हैं, प्राइस डिस्कवरी होती है, लेकिन बात जब सोने की डिलीवरी की आती है तो भरोसा LBMA पर किया जाता है। और शायद इसीलिए लंदन बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन के बाजार को गोल्ड का टर्मिनल बाजार भी कहते हैं। लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज की
बुनियाद हैं लंदन की ऐतिहासिक तिजोरियां, जहां गोल्ड जमा है। इन तिजोरियों को लंदन प्रेशियस मेटल क्लियरिंग्स लिमिटेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड संचालित करता है। तिजोरियों में रखे सोने के आधार पर ही पूरी दुनिया में सोने की खरीद बिक्री के सौदे होते हैं। तो यह था किस्सों का सिक्का। आप देखते रहिए मनी नाइन और डाउनलोड कीजिए मनी नाइन का ऐप, जहां मौजूद हैं किस्सों के कई और सिक्के भी।